Assalamu alaikum and welcome to lecture 30th. Our topic is investment analysis and portfolio management. Let's have a look at outline. Outline includes recap of the previous lecture, CAPM, alpha values, continued. As you know, we have started CAPM and in the end we have studied alpha values in the previous lecture. So we will continue from alpha values and advantages and disadvantages of CAPM, and then we will study how to apply the adjusted present value approach to decision making, risk adjusted WAC, choosing a discount rate, and then we will start a new topic, mergers and acquisitions, and then venture capital. Now we will start alpha values, which we have studied and basic introduction was given in the previous lecture. The alpha value is actual return minus CAPM return. It means the return you have calculated from the CAPM formula is your minimum return. So alpha values determines that what is the difference between the actual return and CAPM return, and on the basis of this you can determine whether the securities are undervalued or overvalued. When shares yield more or less than their respective return based on the CAPM, the difference is an abnormal return. Yahan pe humne isko kya bola, abnormal return, kyunki jab shares ya aapka jo securities hai वो आपको प्रोवाइड करेंगे मोर और लेस रिटर्न देन द कैपम रिटर्न. इनिशियली यू हैव कैलकुलेटेड योर रिक्वायर्ड मिनिमम रिटर्न फ्रॉम द कैपम फार्मूला, कि आपको इतना मिनिमम रिटर्न चाहिए फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. आफ्टर गेटिंग एक्चुअल रिजल्ट्स यू डिटरमिन वेदर द रिटर्न इज मोर और लेस, एंड दिस इज कॉल्ड एन एबनॉर्मल रिटर्न. दिस एबनॉर्मल रिटर्न might be referred to as the alpha factor. इसको हम alpha factor बोलते हैं, जो difference होता है between the actual return and the CAPM return. The alpha factor for security is simply the balancing figure in the following formula. आप CAPM का पूरा formula mention करेंगे और उसमें से हम add कर रहे हैं alpha value को, add भी हो सकता है और less भी हो सकता है. तो CAPM के formula में ही आप alpha value डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, actual return. इसका दूसरा पर्पज ये है कि आप एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपके पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है और आपके पास बीटा फैक्टर है, तो फिर आप एक्चुअल रिटर्न डिटरमिन कर सकते हैं अगर अल्फा वैल्यूज भी गिवन है. तो ऐसा सिनेरियो जिसमें एक्चुअल रिटर्न मांगो और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो, तो फिर उससे आप अपना एक्चुअल रिटर्न भी डिटरमिन कर सकते हैं. उसके लिए फार्मूला आपके पास वही है, ये दिस फार्मूला रिप्रेजेंट्स अ कैपम फार्मूला और इसमें हमने ऐड किया है अल्फा वैल्यूज को, जिसको हम मेंशन करते हैं इस अल्फाबेट से जो आपके सामने ये अल्फा प्रेजेंट हो रहा है. अल्फा एस मींस अल्फा वैल्यू ऑन द सिक्योरिटी. इफ अल्फा वैल्यू इज नेगेटिव, अगर अल्फा वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है, नेगेटिव कब आएगी, जब एक्चुअल रिटर्न विल बी लेस देन द कैपम रिटर्न, तो इट मींस द एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज ग्रेटर देन द कैपम मार्केट वैल्यू. तो इसका एक रिजल्ट आपका ये आएगा कि अगर अल्फा वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ जाती है, तो इट मींस के मार्केट वैल्यू जो है एक्चुअली दैट इज ग्रेटर देन द कैपम मार्केट वैल्यू, और इट मींस द सिक्योरिटी इज ओवर वैल्यूड. इट इज नॉट इन इट्स बैलेंसिंग पोजिशन, इट इज ओवर वैल्यूड. एंड इफ एक्चुअल रिटर्न, और इसका क्या मतलब है, दूसरा पहले तो आपने जो ड्राइव किया, अगर अल्फा वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उसमें एक चीज आपने ये ड्राइव की कि ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड की आपकी मार्केट वैल्यू,
और दूसरा आप क्या इसे डिस्क्राइब करेंगे नेगेटिव होने से, अल्फा वैल्यू के नेगेटिव होने से, कि एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन द कैपम रिटर्न, यानी आप उतना अर्न नहीं किया सिक्योरिटी ने जितना आप मिनिमम डिस्क्राइब था या मिनिमम होना चाहिए था, तो उससे कम अर्न किया है। एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन द कैपम रिटर्न, इसका क्या मतलब है? जब एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन द कैपम रिटर्न, देन द इन्वेस्टर शुड नॉट इन्वेस्ट और डाइवेस्ट, कि दिस इज नॉट द सिचुएशन इन विच एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज, क्योंकि इट इज ओवर वैल्यूड, यानी अगर वो परचेज करता है इस वक्त तो वो फिर ओवर वैल्यू, ज्यादा मार्केट वैल्यू पे परचेज करेगा सिक्योरिटीज को। तो हमने ये दो चीजें इससे ड्राइव की है। नंबर वन कि मार्केट वैल्यू, इफ अल्फा वैल्यू इज नेगेटिव देन इट मींस कि आपकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द कैपम मार्केट वैल्यू, और सेकेंडली कि आपका एक्चुअल रिटर्न है डेट इज लेस देन द कैपम रिटर्न। एंड ऑन द ऑपोजिट साइड इफ अल्फा वैल्यू इज पॉजिटिव, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अल्फा वैल्यू अगर पॉजिटिव निकल आती है तो इट मींस के एक्चुअल मार्केट वैल्यू इज लेस देन द कैपम मार्केट वैल्यू, कि अगर सिक्योरिटी की प्राइस 100 रुपए है और कैपम उसको क्या कितना बता रहा है, इज लेस देन द कैपम मार्केट वैल्यू, कैपम आपको बता रही है 120, तो आपका मार्केट वैल्यू कम है और इट मींस के सिक्योरिटी इज अंडर वैल्यूड। तो एक तो आप ड्राइव उससे ये करेंगे अल्फा वैल्यू इज पॉजिटिव, देन योर एक्चुअल मार्केट वैल्यू इज लेस देन द कैपम मार्केट वैल्यू एंड द सिक्योरिटीज आर अंडर वैल्यूड, और सेकेंडली आप क्या इससे ड्राइव करेंगे कि एक्चुअल रिटर्न इज ग्रेटर देन द कैपम रिटर्न, यानी एक्चुअली जो अर्न किया आपने वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैपम रिटर्न, और इस मौके पे जब वो रिटर्न ज्यादा है और अंडर वैल्यूड है तो फिर इन्वेस्टर उसमें कम प्राइस में परचेज करके अपने आप को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो दूसरी चीज थी कि एक्चुअल रिटर्न इज ग्रेटर देन द कैपम रिटर्न, और इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में द इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट और होल्ड टिल द मार्केट बिकम मार्केट वैल्यू कम्स ऑन द बैलेंसिंग पोजीशन, क्योंकि अगर वो सेल कर देते हैं तो इट मींस कि उन्होंने अंडर वैल्यूड प्राइस पे सेल कर दिया, कम उन्हें पैसे मिलेंगे और उनका बेनिफिट लूज हो जाएगा। अल्फा वैल्यूज आर टेम्परेरी वैल्यूज एज आर्बिट्रेज गेन। अल्फा वैल्यू क्यों राइज होती है? ड्यू टू स्पेकुलेशन, जो ट्रेडिंग हो रही होती है उसमें ट्रेडर्स ट्रेडर्स जो होते हैं स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं, तो उससे मार्केट पे इफेक्ट आता है और आर्टिफिशियली इफेक्ट आता है। जैसे कि आप न्यूज में भी सुनते रहते हैं कि एकदम से स्टॉक मार्केट की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, उसमें बुलिश ट्रेंड आ गया, फिर अचानक उसमें बियरिश ट्रेंड आ गया, तो इट मींस कि वो आर्टिफिशियली प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं रिटर्न्स, और उसके बेसिस पे अल्फा वैल्यूज क्रिएट हो रही होती हैं, जो ये आर्बिट्रेज गेन है और ये टेम्परेरी है और स्पेकुलेशन की वजह से राइज होता है। अल्फा वैल्यूज आर टेम्परेरी वैल्यूज एज आर्बिट्रेज गेन अपॉर्चुनिटीज स्पेकुलेशन विल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉज सिक्योरिटीज टू ऑफर द सेम रिटर्न एज दैट ऑफर्ड बाय अ मार्केट पोर्टफोलियो बिकम इन लाइन विद द मार्केट। तो इट मीन्स कि सब स्पेकुलेशन खत्म होगी तो मार्केट की वैल्यू, जो सिक्योरिटीज की वैल्यूज हैं वो अपनी वापस बैलेंसिंग पोजीशन पे आ जाएंगी, एंड देन व्हेन दे रीच एट ए बैलेंसिंग पोजीशन तो उनकी मार्केट जो वैल्यू है वो इन लाइन हो जाएगी और जो रिटर्न्स हैं वो इन लाइन हो जाएंगे विद द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो वो आइडियल पोजीशन है, वो सबसे सेफेस्ट पोजीशन है, और अल्फा वैल्यू से का पर्पज आपको समझ आ गया कि अल्फा वैल्यूज का पर्पज होता है कि आप कंपैरिजन कर सकें बिटवीन द एक्चुअल एंड कैपम रिटर्न्स, और उसकी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकें। फॉर प्रोजेक्ट विद सिमिलर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देन द प्रोजेक्ट विल विद लोएस्ट बीटा शुड बी सिलेक्टेड। अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स हो जिनमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट सिमिलर हो, यानी उनके
जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो, इसके बेनिफिट्स जो हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो, तो वो अगर सिमिलर हो और उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, देन द प्रोजेक्ट विद लोएस्ट बीटा वैल्यू, और तो उन तमाम प्रोजेक्ट में से आप वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करेंगे जिसका बीटा वैल्यू कम है, इट मीन्स कि उसका रिस्क कम है। तो आपने कौन सा सेलेक्ट करना है जिसका बीटा वैल्यू कम है। तो बीटा इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग व्हेन देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टर्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। द रिटर्न ऑन शेयर्स ऑफ कंपनी ए इज 11%। एक कंपनी है ए, उसके रिटर्न्स उस पर, उसके शेयर्स पे रिटर्न कितने हैं? 11%। बट इट्स नॉर्मल बीटा फैक्टर, उस कंपनी का बीटा फैक्टर जो है 1.10 है। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आरएफ कितना है आपका? 5%। और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न डेट इज आरएम इज 8%। ये आपके पास चीजें की मैंने आप रिमाइंड कर सकते हैं कि आपने क्या कैलकुलेशंस करनी है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल रिटर्न ऑन द शेयर। एबनॉर्मल रिटर्न मीन्स आपने अल्फा फैक्टर निकालना है, अल्फा वैल्यू निकालनी है टू डिटरमिन द एबनॉर्मल रिटर्न ऑन द शेयर्स। तो आप किस तरह करेंगे? सबसे पहले आप कैपम रिटर्न निकालेंगे। कैपम रिटर्न का फॉर्मूला आपको याद होगा कि आप कैपम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, डेट इज के ई इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और उसमें प्लस या फिर माइनस, अगर नेगेटिव में हो अल्फा वैल्यू तो फिर आपका अल्फा वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो आपने एबनॉर्मल रिटर्न निकाले हैं, अपने रेस्पेक्टिव जगह पे उसकी चीजें मेंशन की, तो आपके पास एबनॉर्मल रिटर्न आ गया, डेट इज 2.7%। तो इसमें 2.7% का एबनॉर्मल रिटर्न है क्योंकि उसके शेयर्स अर्न कर रहे थे 11%, और जो आपका बाकी कैपम से निकला था डेट इज लेस देन द 11%। तो आपका अल्फा वैल्यू कितना आ गया? पॉजिटिव 2.7%। तो इस तरह आप अल्फा वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। एन इन्वेस्टर ट्राइज टू बाय शेयर्स और बॉन्ड्स फॉर हिज पोर्टफोलियो डेट प्रोवाइड अ पॉजिटिव एबनॉर्मल रिटर्न। एक इन्वेस्टर है और वो हमेशा उन इन्वेस्टमेंट्स में ट्रेड करता है जो पॉजिटिव एबनॉर्मल रिटर्न या पॉजिटिव अल्फा फैक्टर प्रोवाइड करते हैं। ही इज कंसीडरिंग टू शेयर्स एंड टू बॉन्ड्स फॉर एडिंग टू हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। उसका पोर्टफोलियो एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें वो दो शेयर्स और दो बॉन्ड्स की एडिशन चाहते हैं। द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन द शेयर इज मेजर्ड बाय द कैपम। द रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर बॉन्ड्स इज मेजर्ड यूजिंग अ मॉडल सिमिलर टू द कैपम, एक्सेप्ट दैट अ बीटा फॉर अ बॉन्ड इज मेजर्ड एज द रेशियो फॉर द ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड्स इन ईयर्स टू द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड मार्केट एज अ होल। तो यहां पे इस इलस्ट्रेशन में आपके बीटा की कैलकुलेशन बता दी गई फॉर बॉन्ड्स। बाकी बीटा की जो इक्विटी पे बीटा आएगा उसकी कैलकुलेशन तो आपको मालूम होगी कि कोवेरियंस बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द मार्केट डिवाइडेड बाय द वेरियंस, या कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द सिक्योरिटी विद द मार्केट मल्टीप्लाई बाय रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय रिस्क ऑफ द मार्केट। तो इस तरह तो आप सिक्योरिटीज की या शेयर्स की बीटा वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं। लेकिन यहां पे आपको क्या बताया गया कि बीटा जो ये इन्वेस्टर कैलकुलेट करता है अपनी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए, उसमें वो क्या लेता है बॉन्ड की बीटा, कि वो रेशियो लेते हैं ऑफ द ड्यूरेशन, जो कितना उसने बॉन्ड को होल्ड किया है एज कंपेयर टू जो मार्केट में बॉन्ड को होल्ड करने का टोटल पीरियड है, तो उसका रेशियो लेते हैं, तो उसके बाद बीटा आ जाता है। इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन की अवेलेबल है, शेयर्स बता दिए गए हैं कि आपके इन्वेस्टर में के पास ये इक्विटी शेयर्स हैं, दिस आर द बॉन्ड बॉन्ड्स और एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिटर्न बता दिए गए हैं, दिस आर एक्चुअल रिटर्न ऑन योर शेयर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड्स इज दिस,
6 for bond market, yani bond market jo market mein bonds hai uski total duration period hai 6 years, aur jo bond P aur bond Q acquire karna chahta hai, invest karna chahta hai investor is do bonds mein, to unka duration period hai 5 years and 8.5 years. और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया गया है, यानी रिस्क कितने शेयर्स में मार्केट में है. आरएम है 12%, कंपनी एक्स का है 14% और कंपनी वाई का है 17%. और इसमें इंटरेस्ट रेट बता दिया गया फॉर बॉन्ड्स और कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द रिटर्न्स विद द मार्केट और रिडेम्पशन यील्ड बताई गई है फॉर द शेयर्स एंड बॉन्ड्स रेस्पेक्टिवली. और आरएफ आपका कितने है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज योर 5%. तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, इसके बेसिस पे आपने क्या कैलकुलेट करने है. आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट करंटली ऑफर्स अ पॉजिटिव एबनॉर्मल रिटर्न, जो कि उस इन्वेस्टर की प्रेफरेंस है कि वो ऐसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेगा जो कि पॉजिटिव एबनॉर्मल रिटर्न प्रोवाइड कर रही है. तो यू हैव टू कैलकुलेट विच इन्वेस्टमेंट इज प्रोवाइडिंग पॉजिटिव एबनॉर्मल रिटर्न. तो आप इसमें अल्फा फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे और जिनका अल्फा फैक्टर पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो वो इस इन्वेस्टर के लिए एक्सेप्टेबल होंगी, और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो नेगेटिव अल्फा फैक्टर दे रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी. तो इसमें आप कैपम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे शेयर्स में, उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी है. बीटा के कैलकुलेशन के लिए रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो आप कंपनी एक्स और कंपनी वाई का आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैपम रिटर्न, और उसको मैच कर सकते हैं विद द एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिटर्न, तो आपके पास अल्फा वैल्यू निकल आएगी. और इस तरह बॉन्ड्स का आप बीटा फैक्टर निकाल सकते हैं, और बीटा फैक्टर निकाल के आप उसको रिडेम्पशन यील्ड जो उस पर इंटरेस्ट रेट है वो आपको दिया गया है, कूपन रेट दिया गया है, तो उसके बेसिस पे आप रिटर्न को मैच करेंगे विद द जो एक्चुअल उस पर कूपन रेट मिल रहा है उसको, तो उससे आप अल्फा वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट सॉल्यूशन. द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट बीटा फैक्टर्स फॉर द शेयर्स. आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट है, रिस्क है ऑफ द रिस्पेक्टिव सिक्योरिटीज एंड द मार्केट, तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप बीटा फैक्टर निकाल लेंगे ऑफ each security and a similar factor for the bonds. For shares the beta factor is calculated. Kis tarah calculate karte hain, aapko yaad hoga ki correlation coefficient between the security and the market multiplied by risk of the security divided by risk of the market. To aisa apna calculate karenge beta factor for shares, aur ye aapke paas samne information available hai ki aap kis tarah kar rahe hain कि आप सिक्योरिटी एक्स के केस में उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया विद द रिस्क और डिवाइडेड बाय द रिस्क ऑफ द मार्केट, तो आपके पास बीटा फैक्टर आया 1.073. दिस इज बीटा फॉर द शेयर एक्स. एंड फॉर शेयर वाई वही इंफॉर्मेशन आपने यूज की है, रिस्क आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया विद द रिस्पेक्टिव रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी दैट इज 17% डिवाइडेड बाई द रिस्क ऑफ द मार्केट डेट इज 12%. और रिस्क को हम किस समय मेंशन करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो 12% आपकी रिस्क है ऑन द मार्केट. तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आपका बीटा फैक्टर कैलकुलेट हुआ फॉर सिक्योरिटी एक्स सिक्योरिटी वाई विच इज इक्वल टू 1.176 मोर देन द शेयर एक्स बीटा. अब बॉन्ड बी का, बॉन्ड्स के लिए हमने क्या डिसाइड किया था कि ये इन्वेस्टर क्या करता है कि वो ड्यूरेशन को मैच करता है विद द ड्यूरेशन ऑफ द मार्केट, तो उसकी बेसिस पे अपना बीटा फॉर बॉन्ड्स कैलकुलेट करता है. तो 5 ईयर्स बॉन्ड बी के केस में है, और जो मार्केट का टोटल ड्यूरेशन है फॉर होल्डिंग अ बॉन्ड इज 6 ईयर्स. तो इसका हमने रेशियो निकाला एंड डेट कम्स टू 0.833. तो बॉन्ड बी का आपका बीटा फैक्टर आ गया 0.833, और इसी तरह बॉन्ड क्यू का हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया बीटा फैक्टर ऑफ बॉन्ड क्यू विच इज 1.4
1.17. This is beta factor for bond Q. We can now calculate the required return for each security using the CAPM and compare it with the expected actual return. आपके पास बीटा आ गया, आपके पास कैपम में और क्या चाहिए आपको? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, वो इंफॉर्मेशन गिवन है. तो आप इसके बेसिस पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अपना कैपम रिटर्न और एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिटर्न आपका कितना था वो आपको इंफॉर्मेशन में गिवन है. तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास अल्फा वैल्यूज आ जाएंगे. द डिफरेंस इज द एब्नॉर्मल रिटर्न्स फॉर बॉन्ड्स. द रिडेम्पशन यील्ड शुड बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ रिटर्न. तो बॉन्ड्स के केस में भी बता दिया गया कि बॉन्ड्स के केस में रिडेम्पशन यील्ड जो गिवन है डेट शुड बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ रिटर्न. तो इस तरह हम वन स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे अपने सॉल्यूशन में. पहले आपने बीटा कैलकुलेट किया, फिर आप बीटा को यूज करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ कैपम रिटर्न और उसको कंपैरिजन करेंगे विद द एक्चुअल रिटर्न. तो आपके पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन व्हिच इज मेजरमेंट ऑफ एब्नॉर्मल रिटर्न ऑन द सिक्योरिटीज वो है, तो वो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपके पास टेबल में सारा प्रेजेंट हो रहा है कि आप किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं. आप कैपम के फॉर्मूले में इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं. कैपम का फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया यहाँ पे कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. तो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न, रिक्वायर्ड मिनिमम रिटर्न कैलकुलेट हो जाता है. बीटा आप कैलकुलेट कर चुके हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है. तो आपके पास रिजल्ट्स आ गए हैं. कैपम जो शेयर एक्स का है डेट इज 11.44%, शेयर वाई का उससे ज्यादा है डेट इज 12.06%. रिटर्न ज्यादा अर्न कर रहा है शेयर वाई एज कम्पेयर टू शेयर एक्स. और बॉन्ड बी कितना कैलकुलेट कर रहा है 6% और बॉन्ड क्यू कैलकुलेट कर रहा है रिक्वायर्ड मिनिमम रिटर्न 6.70. तो इस तरह आपने कैपम रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न या मिनिमम रिटर्न कैलकुलेट कर लिया. क्योंकि जो कैपम फॉर्मूला है डेट गिव्स यू मिनिमम रिटर्न, यानी इतना अर्न करना चाहिए एक सिक्योरिटी को जबकि उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिटर्न, मिनिमम रिटर्न और कैपम रिटर्न. और एक्सपेक्टेड रिटर्न से आप जब कंपेयर करेंगे इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फा वैल्यूज डेट इज एबनॉर्मल रिटर्न. एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिटर्न आपको मेंशन है इन द क्वेश्चन, वो आपने मेंशन कर दिया. तो अल्फा वैल्यूज आपकी क्या कैलकुलेट हुई जो कि हम कहते हैं उसको एबनॉर्मल रिटर्न. तो आपके पास शेयर एक्स और शेयर वाई में नेगेटिव आ रही है डेट इज 1-0.94 क्योंकि आपका फॉर्मूला एक्चुअल रिटर्न का क्या है, अल्फा वैल्यू का क्या है, एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिटर्न या एक्चुअल रिटर्न माइनस कैपम रिटर्न. तो 9.50 आपका एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिटर्न है और कैपम रिटर्न कितने हैं 11.44. तो इट मीन्स कि आपके पास जो रिजल्ट आया अल्फा वैल्यू आई डेट इज नेगेटिव -1.94. तो आपके पास शेयर एक्स की जो रिटर्न आया डेट इज नेगेटिव. तो इट मीन्स कि जब नेगेटिव होता है अल्फा वेल फैक्टर नेगेटिव होता है तो उसमें इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वो शुड नॉट इन्वेस्ट और डाइवेस्ट. तो 1-0.94 आपका शेयर एक्स में है, शेयर वाई में -0.06 निकला है. दोनों शेयर्स का आपके पास अल्फा वैल्यू जो आ रही है नेगेटिव आ रही है. और पॉजिटिव किस में आ रही है, बॉन्ड पी में आ रही है डेट इज 0.40. और इस तरह बॉन्ड क्यू में भी नेगेटिव आई है 0.20. तो विच ऑप्शन इज द फिजिबल फॉर द इन्वेस्टर एज पर हिज प्रेफरेंस, ओनली बॉन्ड पी. क्यों? बिकॉज इट ऑफर्स अ पॉजिटिव एबनॉर्मल रिटर्न विच इज रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर. कि ऐसी इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्ट करेगा जो कि पॉजिटिव एबनॉर्मल रिटर्न उसको प्रोवाइड करेंगे. तो हमारे सिनेरियो में ओनली बॉन्ड पी ऑफर्स अ पॉजिटिव एबनॉर्मल रिटर्न. तो इस तरह हमने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अपनी कैलकुलेट की, मेजर की. इफ द इन्वेस्टर मेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एबनॉर्मल रिटर्न्स
he will invest in this bond and add it to his portfolio. However, the abnormal return could be eliminated by a rise in the price of bond. Lekin jo alpha value eliminate ho jayegi when the prices of bond will rise. To iske baad equilibrium position aa jayegi aur jo price rise hogi uska factor kya hoga, uska factor hoga market factors ke jab demand aur supply aapki move karti hai, jab ek cheez ki demand अगर प्राइस ज़्यादा हो गई है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, इन्वेस्टर्स उसके साथ भागेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे उस सिक्योरिटी में, तो उसकी प्राइस पे ऐसा जब डिमांड उसकी ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसके ऐसा ऐसा आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी। तो मार्केट फैक्टर के बेसिस पे जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी तो वो एलिमिनेट हो जाएगी एबनॉर्मल रिटर्न और वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। So this is the way how to calculate abnormal returns. इसके बाद आपके पास सामने एक decision tree present हो रहा है कि decision tree में आपको बताया गया कि कब investor को investment करनी चाहिए और किस situation में नहीं करनी चाहिए। जब हमने alpha values को discuss कर चुके हैं तो आप अभी अपना investment decision आराम से कर सकते हैं और उसी की summary यहाँ पे present हो रही है। नंबर वन पे आपके पास आ रहा है कि व्हेन एक्चुअल प्राइस इज लेस देन द कैपम प्राइस। ये कब होता है? व्हेन एक्चुअल रिटर्न इज ग्रेटर देन द कैपम रिटर्न। क्योंकि हम पहले देख चुके थे कि जब अगर रिटर्न ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर फैक्टर आपका ज्यादा होगा, तो आपका रिजल्ट कम आएगा। तो व्हेन एक्चुअल प्राइस is less than the capm price, wo kab hota hai? When actual return is greater than the capm return, and alpha, it means alpha value is positive and the securities are undervalued. Securities are when securities are undervalued should invest, kyunki wapas usne apne equilibrium position pe aane, to jab equilibrium position pe aayega to future mein jaake uski prices high ho jayengi. Jab high honge to aapko future mein benefit hoga, to it is the time to invest in such securities whose alpha value are values are positive. तो इसमें decision tree में हमारे पास second जो tree है, that is the situation when actual price equal to the capm price, यानी minimum return जो investor को चाहिए और required return जो investor को चाहिए वो उसको actually मिल रहा है। When actual price equal to the capm price, it means actual return equal to capm return, and it means alpha is zero. क्योंकि alpha का आपको formula याद होगा कि alpha value is actual return minus capm return. तो जब actual return capm return बराबर हो गए तो आपका alpha value zero हो गया और fairly valued. This is your equilibrium position and can invest. जब equilibrium position में हो तो वो भी इन्वेस्टर के लिए क्या उसके में डिसीजन है कि ही कैन इन्वेस्ट। और तीसरे जो इसमें ट्री हमारे सामने आ रहे हैं, डेट इज एक्चुअल प्राइस इज लेस देन द कैपम प्राइस, एंड व्हेन इट हैपेंस व्हेन द एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन द कैपम रिटर्न, तो इट मींस अल्फा वैल्यू इज नेगेटिव, एंड व्हेन अल्फा वैल्यू इज नेगेटिव इट मींस द securities are overvalued, and the, when the securities are overvalued, then investor should not invest in such securities. So, ye ek decision tree hai for the investment analysis using the alpha values. Ab capital return aur alpha values ke use se investment ko analyze kar sakte hain aur uske results ko show kar sakte hain ki aise situation mein investor ko kya decision is waqt lena chahiye. तो ये था हमारा डिसीजन ट्री और अल्फा वैल्यू और कैपम की डिस्कशंस। अभी हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कैपम के जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। द कैपम इज बेस्ड ऑन सम सिंप्लीफाइंग असम्पशंस, फॉर एग्जांपल द कैपम अज्यूम्स अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इन्वेस्टर प्रेफरेंस, ऑल फोरकास्ट एक्सपेक्टेशंस आर मेड in the context of just one time period. So
ये कैपम के assumptions हैं जिसके बेस पे कैपम का फॉर्मूला अपने returns को ड्राइव करता है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट होनी चाहिए, ऑल इन्वेस्टर्स आर यूनिफॉर्म, ऑल इन्वेस्टर्स हैव यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेशंस, कि उनके एक्सपेक्टेशंस और उनके प्रेफरेंसेस डिफरेंट ना हो और वो एक लाइन में ही सब सोच रहे हो, तो फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, अब फिर आप कैपम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑल फोरकास्ट, जितने भी आप फोरकास्ट मेजरमेंट यानी कैपम को यूज करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, डेट आर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्ट वन टाइम पीरियड। इन स्पाइट ऑफ दिस सिंप्लीफाइंग असम्पशंस द कैपम अपीयर्स टू बी रिलायबल इन प्रैक्टिस। इसके एडवांटेजेस उसकी वीकनेसेस अभी आपको कंपैरिजन शो हो रहा है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कैपम के क्यों हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंप्लीफाइंग फार्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, मिनिमम रिटर्न या रिक्वायर्ड रिटर्न, तो हर इन्वेस्टर इसको यूज करना चाहेगा, लेकिन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए ताकि अपने रिजल्ट्स को सही इंटरप्रेट किया जा सके। एडवांटेजेस में कैपम की है, इट प्रोवाइड्स अ मेजरेबल रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न, क्योंकि जो बीटा है आपका डेट इज प्रोवाइडिंग द रिस्क, आप हर सिक्योरिटी का उसके इंटरेस्ट के मुताबिक, उसकी नेचर ऑपरेशंस के मुताबिक बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। और तो ये बीटा आपको क्या शो कर रहा होता है, उसका रिस्क, उसका बिजनेस रिस्क, उसका फाइनेंशियल रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क। तो जब बीटा आपको प्रेजेंट कर रहा है तो ये रिस्क और रिटर्न का एक क्वाइट गुड रिलेशनशिप आपको प्रेजेंट कर रहा है फॉर्मूला। इट कैन बी यूज टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर सिक्योरिटीज नोटेबली इक्विटी शेयर्स, नॉर्मली इक्विटी शेयर्स के लिए यूज होते हैं और उसकी रिक्वायर्ड रिटर्न या मिनिमम रिटर्न आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी अडॉप्टेड टू एस्टैब्लिशिंग अ रिक्वायर्ड रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी। अगर एक कंपनी अपना फाइनेंशियल रिस्क को चेंज कर रही है, डेट और इक्विटी के रेशियो को चेंज कर रही है, तो इट द कंपनी इज गोइंग टू क्रिएट अ फाइनेंशियल रिस्क, तो आप कैपम के थ्रू उसका रिस्क एडजस्टेड वैक या रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप बीटा को एडजस्ट करें, जो कि हम पीछे देख चुके हैं कि बीटा को हम किस तरह अनगेट कंपनी के गेट कंपनी में लेके आते हैं और उस तरीके से हम बीटा कैलकुलेट करके अपना एक रिवाइज्ड कैपम और रिवाइज्ड वैक कैलकुलेट कर सकते हैं। और उस रिवाइज्ड वैक को कहाँ यूज करेंगे हम, इन आवर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस थ्रू डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, जो कि हम शुरू में डिस्कस हमने डिटेल में किया था। नाउ द वीकनेसेस ऑफ कैपम क्या है, इट कैन बी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट वैल्यूज फॉर द रिस्क फ्री रेट एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न एंड द बीटा फैक्टर ऑफ द सिक्योरिटी। यानी ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं जो कि कैपम के फॉर्मूले में इंक्लूड होते हैं। अगर आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि रिस्क फ्री रेट क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस जो बॉन्ड्स हैं या सिक्योरिटीज हैं वो नॉर्मली ऑफर नहीं होती, ट्रेड नहीं होती मार्केट में, देन इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। और अगर मार्केट आपकी जो कैपिटल सिक्योरिटी मार्केट है डेट इज नॉट स्ट्रांग, तो आपको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी डिफिकल्ट हो जाएगा ऑब्टेन करना, और इस बेसिस पे आपका बीटा फैक्टर भी आपके लिए एक हर्डल बन जाएगा और वो कैलकुलेशन उसकी टफ हो जाएंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है किसी कंट्री में या ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपके लिए तीनों फैक्टर्स कैलकुलेट करना एक मुश्किल काम है। इट फोकसेस ऑन सिस्टमैटिक रिस्क ओनली एंड इग्नोर्स अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क इज सिग्निफिकेंट फॉर एन इन्वेस्टर हु डज नॉट हैव अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जैसा कि हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके थे जब हमने कैपम स्टार्ट किया था कि कैपम ओनली फोकसेस ऑन सिस्टमैटिक रिस्क, इट इग्नोर्स अनसिस्टमैटिक रिस्क बिकॉज इट एज्यूम्स दैट इन्वेस्टर हैज अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड द अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी लिमिटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो जब एक इन्वेस्टर ने अपना अनसिस्टमैटिक रिस्क को एलिमिनेट कर दिया तो कैपम ओनली फोकसेस ऑन सिस्टमैटिक रिस्क। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिसका वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं है, तो
तो उसके लिए अनसिस्टमैटिक रिस्क भी उसको कैलकुलेट करना होगा, उसको अपने फॉर्मूले में अपने रिटर्न निकालते हुए उसको इंक्लूड करना होगा। तो कैपम ऐसे सिचुएशन में फेल हो जाएगा क्योंकि वो अनसिस्टमैटिक रिस्क को इग्नोर कर देगा। इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेज इन विच अ सिक्योरिटी प्रोवाइड्स इट रिटर्न्स, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड और शेयर प्राइस इंक्रीज। एक और एलिमेंट है कि जब हम कैपम को यूज करते हैं देन इट इग्नोर्स जो फ्यूचर कैश फ्लोज आपको राइज होंगे, जिसमें आपको शेयर प्राइस इंक्रीज का एलिमेंट आएगा, डिविडेंड इंक्रीज का, डिक्रीज का एलिमेंट आएगा, तो वो उसमें इग्नोर हो जाता है। तो दीज आर योर एडवांटेजेस एंड वीकनेसेस इन यूजिंग कैपम फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस। तो हमने अभी एडवांटेजेस और वीकनेसेस को देख लिया, उस कैपम की डिटेल्ड कैलकुलेशन को देख चुके हैं और हम अल्फा वैल्यूज को भी देख चुके हैं। अब आप कैपम को यूज आराम से कर सकते हैं और कैपम के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। इसका नाम तो आप बहुत देर से सुनते हुए आ रहे हैं, जब हमने वैक की कैलकुलेशन देखी थी कि अगर कंपनी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रही है जो कि जिसमें वो अपना फाइनेंशियल रिस्क को चेंज कर रही है, जब फाइनेंशियल रिस्क के चेंज कर रही है तो हमने ये डिस्कस किया था और ये डिसाइड किया था कि आप अपना करंट वैक नहीं यूज कर सकते, क्योंकि करंट वैक जो प्रेजेंट कर रहा है वो एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिस्क को प्रेजेंट कर रहा है, और जब कंपनी एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रही है और वो अपना फाइनेंशियल रिस्क चेंज कर रही है तो इट मीन्स कि कंपनी अपना करंट वैक यूज नहीं कर सकती, उससे अपने वैक को एडजस्ट करना होगा। उसके लिए एक ऑप्शन तो हमने देख ली कि आप बीटा के थ्रू अपने रिस्क को एडजस्ट कर सकते हैं, आप गेट अनगेट कंपनी का वैक बीटा कैलकुलेट करके उसे अनगेट पोजीशन में लेके आकर अपना रिस्क को एडजस्ट करके कैपम में और फिर वैक में यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके दूसरी ऑप्शन क्या थी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ एमएम थ्योरी विद टैक्सेशन, एपीवी। एपीवी इज एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। एपीवी एंड एनपीवी, एनपीवी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, जो कि हमने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस की थी। तो एपीवी एंड एनपीवी गिव द सेम रिजल्ट व्हेन गियरिंग लेवल रिमेन्स सेम। तो जब आपका गेयरिंग लेवल सेम हो, जब आपका फाइनेंशियल रिस्क सेम हो, तो आप करंट वैक यूज कर सकते हैं। तो आप करंट वैक को यूज करके अपनी कैलकुलेशंस करें, अपना रिजल्ट्स निकालें, या एपीवी को यूज करके निकालें तो रिजल्ट सेम होगा क्योंकि गेयरिंग लेवल सेम है। तो जो मैंने शुरू में बात की थी कि एपीवी हम यूज करते हैं जब आपका फाइनेंशियल रिस्क, आपका गेयरिंग लेवल फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाए, तो उस वक्त हम एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू यूज करते हैं। हाउएवर व्हेन फाइनेंशियल रिस्क चेंजेस, एनपीवी मेथड रिक्वायर्स द कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एडजस्टेड वैक। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, रिस्क एडजस्टेड वैक की हमने बीटा के कैलकुलेशन में बात की थी कि जब हम बीटा को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है, फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है, तो आप गेट कंपनी का बीटा लेके उसको अनगेट अनगेट कंपनी का बीटा लेके उसको गेट करेंगे और गेट बीटा को आप यूज करेंगे इन योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेशन, और जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा तो वहां से आप वैक अपना डिटरमिन कर लेंगे, नया वैक निकाल लेंगे और वो रिस्क एडजस्टेड वैक होगा। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि व्हेन फाइनेंशियल रिस्क चेंजेस एनपीवी मेथड रिक्वायर्स द कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एडजस्टेड वैक, क्योंकि जब आप एनपीवी मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको वैक पे डिस्काउंट करना होगा अपने कैश फ्यूचर कैश फ्लोज को, उसमें डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे और उसके लिए आपको वैक यूज करना होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जब आपका फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो गया तो आपको रिस्क एडजस्टेड वैक चाहिए। एपीवी मेथड इज सुपीरियर एंड फैसिलिटेट्स द कैलकुलेशन ऑफ ए रिवाइज्ड एनपीवी बाय मेकिंग सर्टेन एडजस्टमेंट टू बेस केस एनपीवी। तो एक तरीका तो है कि रिस्क एडजस्टेड वैक आप कैलकुलेट करें, आप बीटा अपना रिवाइज करें, बीटा रिवाइज करके आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से फिर आप अपना रिस्क एडजस्टेड वैक डिटरमिन कर लें।
अगर ये ऑप्शन यूज नहीं करनी है देन इन एपीवी मेथड एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड, तो आप क्या करेंगे, आप एपीवी मेथड को यूज करके अपनी रिवाइज्ड एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात हुई है कि एनपीवी मेथड इज सुपीरियर एंड फैसिलिटेट्स द कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड एनपीवी बाय मेकिंग सर्टेन एडजस्टमेंट टू बेस केस एनपीवी। तो यहाँ पे दो चीजें डिस्कस की हैं, एक तो बेस केस एनपीवी और दूसरा रिवाइज्ड एनपीवी कैलकुलेट करते हैं हम इन एपीवी कैलकुलेशंस। तो बेस केस एनपीवी क्या होती है और रिवाइज्ड एनपीवी क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द डिवाइड एंड कंकर अप्रोच इन दैट इट सेपरेट्स द बेस बेनिफिट्स एंड ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम इट्स साइड इफेक्ट। तो इट मींस कि बेस केस एनपीवी आपकी वो कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू होगी जो कि चेंज नहीं हो रहे ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्क एडजस्टमेंट्स। यानी कंपनी अगर अपने फाइनेंशियल रिस्क चेंज करे या ना करे तो उसके ऐसे कैश फ्लोज जिस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी उसकी सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसके डेप्रिसिएशन पे कोई नहीं इफेक्ट होगा, उसके टैक्सेशन जो टैक्स ऑन दिस कैश फ्लोज है उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ऐसे कैश फ्लोज जो जिस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका हम क्या कह रहे हैं, बेस केस एनपीवी। और ऐसे कैश फ्लोज जिस पे इफेक्ट होगा उसको हम अलग कर देंगे, और ऐसे कैश फ्लोज जिस पे इफेक्ट नहीं होगा उसको अलग कर देंगे, उसको हम बोलेंगे बेस केस एनपीवी। और दूसरे जो साइड इफेक्ट्स हैं जिस पे इफेक्ट्स होगा फाइनेंशियल रिस्क चेंज करने से, इट मींस कि लोन की लोन को ऑब्टेन करना, उस पर इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट पे टैक्स रिलीफ अर्न करना और आखिर में लोन को रिपे करना, तो दीज आर साइड इफेक्ट्स। और इन साइड इफेक्ट्स के अलहदा हम कैलकुलेशन करेंगे और अलहदा कैलकुलेशन करके उसको अलहदा डिस्काउंट करके अपने बेस केस एनपीवी में ऐड करके अपना एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एपीवी इज कैलकुलेटेड एज प्रोजेक्ट वैल्यू इफ ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स शील्ड फ्रॉम द लोन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अदर साइड इफेक्ट्स। तो इसमें तीन चीजें फॉर्मूले में आई हैं आपके पास सामने। नंबर वन, प्रेजेंट वैल्यू इफ ऑल इक्विटी फाइनेंस, इफ द प्रोजेक्ट इज ऑल इक्विटी फाइनेंस तो वहां पे इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं आएगा, वहां पे डेट की कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो नहीं होगा और टैक्स बेनिफिट्स ऑन द इंटरेस्ट इनकम वो नहीं अराइज होंगे। तो ये तीन चीजें नहीं होंगी, बाकी आपकी कैश फ्लो सेम रहेगी और हम उसको वैल्यूएट करेंगे इफ द प्रोजेक्ट वैल्यू इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड। तो बाकी कैश फ्लोज को हम अलहदा वैल्यूएट कर लेंगे और जो साइड इफेक्ट्स हैं और जो इंटरेस्ट से रिलेटेड इफेक्ट्स हैं उसको अलहदा कर लेंगे। तो जो अलहदा हमने कैलकुलेट करने हैं, दीज आर टू टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। नंबर वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स शील्ड, जिसको हम सेकेंड एलिमेंट है एपीवी कैलकुलेशन में कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स शील्ड आपको कैलकुलेट करनी होगी। और इन लास्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अदर साइड इफेक्ट्स। तो इन तीन एलिमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे तो अब हमारा क्या कैलकुलेट होगा, क्या रिजल्ट हम ड्राइव करेंगे, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। एंड दिस इज यूज्ड व्हेन योर फाइनेंशियल रिस्क चेंजेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। यानी अगर डेट का एलिमेंट नहीं था पहले कंपनी में और डेट का इंक्लूड कर रही है कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर तो आपका फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो गया। पहले कंपनी टोटली अनगेयर्ड थी, अभी उसमें लोन ले लिया तो गेयर्ड हो गई और उसकी वजह से फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो गया। या पहले भी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 20:80 का था लेकिन अभी कंपनी ने लोन लिया तो वो रेशियो चेंज हो गया 40:60 का हो गया, तो फाइनेंशियल रिस्क कंपनी का चेंज हो गया। तो दीज आर द सिचुएशंस। और इसके अलावा भी सिचुएशन हो सकती है जहां पे कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा हो और उसमें हम एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू या फिर रिस्क एडजस्टेड वैक यूज करेंगे। इसमें अप्रोच देख लेते हैं कि अप्रोच हम किस तरह लेके चलेंगे एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू को। नंबर वन, आइडेंटिफाई द बिजनेस रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट। ये वो अप्रोच है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर रहे हो, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर रहे हो, तो आपको इस फ्लो में
चलना चाहिए। नंबर वन आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनी करने चाह रही है उसमें बिजनेस रिस्क सेम है या चेंज हो रहे हैं। अगर कंपनी का बिजनेस रिस्क चेंज हो रहे हैं तो आपको एक डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी होगी। अगर बिजनेस रिस्क चेंज नहीं हो रहा तो फिर आपको फाइनेंशियल रिस्क की तरफ आना होगा, फाइनेंशियल रिस्क पे क्या इम्पैक्ट है। आइडेंटिफाई द बिजनेस रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट, और बिजनेस रिस्क को आप किस तरह शो करते थे, बीटा एसेट से, जो कि हम बीटा की जब हमने डिस्कशन की थी उसमें देखा था कि बीटा एसेट रिप्रेजेंट द बिजनेस रिस्क ऑफ द कंपनी। तो बीटा एसेट ऑफ द इंडस्ट्री टू विच द प्रोजेक्ट रिलेट्स इज द बिजनेस रिस्क। द दिस बीटा एसेट इज ऑल्सो द बीटा इक्विटी ऑफ अनगेट कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। तो ये भी हम चीज डिस्कस कर चुके हैं कि अनगेट कंपनी के केस में जिसमें कोई लोन का इफेक्ट नहीं है और सेम दो कंपनीज सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, यानी दोनों कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, तो उनका बीटा एसेट सेम होगा। और इन केस ऑल इक्विटी गेट ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी, तो उस केस में बीटा एसेट विल बी इक्वल टू बीटा इक्विटी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में क्या हम लिखेंगे, बीटा एसेट इक्वल टू बीटा इक्विटी ऑफ अनगेट कंपनी। तो ये वो सिचुएशन है व्हेन द बीटा इक्विटी ऑफ अनगेट कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री, यानी उसका बिजनेस सेम है, उसमें गेयरिंग कोई नहीं है, तो बीटा एसेट विल बी इक्वल टू द बीटा इक्विटी। और नंबर टू स्टेप क्या है, यूजिंग दिस बीटा इक्विटी अनगेट कैलकुलेट द KEU यूजिंग द कैपम इक्वेशन एज फॉलोज। किस हम कैलकुलेट करेंगे कि कैपम के फॉर्मूले से इस बीटा इक्विटी या बीटा एसेट को यूज करते हुए आप अनगेट कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे। इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि यहां पे हम बीटा इक्विटी अनगेट यूज कर रहे हैं या फिर ये बीटा एसेट भी हो सकता है। तो आपके पास अनगेट कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। ऑल्टरनेटिवली दिस मे बी कैलकुलेटेड यूजिंग MM थ्योरी इक्वेशन। MM में भी पता था कि आप KEG और KU की टर्मिनोलॉजीज हमने यूज की थी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ए गेट कंपनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ए अनगेट कंपनी, तो वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको डेट इक्विटी रेशियो गिवन हो इंडस्ट्री की और एनी कंपनी इन द इंडस्ट्री इज अवेलेबल, तो अगर आपको किसी कंपनी या इंडस्ट्री की डेट इक्विटी रेशियो गिवन है तो वहां से भी आप अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेट कंपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गेट कंपनी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेट कंपनी माइनस कॉस्ट ऑफ द डेट मल्टीप्लाई बाय द डेट इक्विटी रेशियो और उस पर टैक्स शील्ड डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 माइनस टी। तो डी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी जैसे टैक्स शील्ड, और इसको हमने डिवाइड किया इक्विटी मार्केट वैल्यू इक्विटी पे। तो इस फॉर्मूले से भी आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेट कंपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला एलिमेंट हमारे फॉर्मूले का क्या था कि कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इफ द प्रोजेक्ट इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड। तो जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी प्रोजेक्ट इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड, तो फिर हमें KEU से यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेट कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके फिर आप उसको यूज करेंगे अपने फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए। तो इन दो तरीकों से आप अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेट कैलकुलेट कर लेंगे और इसको यूज करेंगे एज ए डिस्काउंट रेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। स्टेप थ्री में फिर आप डिस्काउंट ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज विद द KU कैलकुलेटेड अबव टू अराइव एट द बेस केस NPV। और स्टेप फोर में आप क्या करेंगे, मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स टू अलाउ फॉर इफेक्ट्स ऑफ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। तो मेथड ऑफ फाइनेंसिंग में आप उनको एडजस्टमेंट करेंगे, उसमें क्या आ जाएगी, एक तो आपका टैक्स शील्ड का जो सेकेंड एलिमेंट था हमारा APV की कैलकुलेशन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड, और तीसरा एलिमेंट था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अदर साइड इफेक्ट्स, वो हमने कैलकुलेट करने थे। तो आपने फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट थ्री स्टेप में आपने कैलकुलेट किया
बेस केस एनपीवी। फिर आप चौथे स्टेप में क्या करेंगे, इफेक्ट्स निकालेंगे बाकी कैश फ्लोज का, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट का और लोन्स का, तो उस पे आप टैक्स सेविंग का एक तो कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट के पेमेंट्स को देखेंगे। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप प्रेजेंट वैल्यू एडजस्टमेंट है, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, यानी इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं उस पर कितना आपको टैक्स बेनिफिट हो रहा है, वो टैक्स बेनिफिट जो हो रहा है वो अपनी कैश बेस केस एनपीवी में आप इंक्लूड कर लेंगे बाय डिस्काउंटिंग इट यूजिंग योर कॉस्ट ऑफ डेट प्री टैक्स केडी। तो यहां से आप प्री टैक्स केडी यूज करेंगे फॉर डिस्काउंटिंग दीज एडजस्टमेंट। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट निकाली, यूटिलाइज्ड एंड स्पेयर डेट कैपेसिटी, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कितना डेट यूटिलाइज हो गया और कितने डेट आपने यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि जो डेट यूटिलाइज नहीं किया वो इस प्रोजेक्ट में अभी तक नहीं लगा, तो उसके बेनिफिट्स को आपको अलग से कैलकुलेट करना होगा और इस एलिमेंट को कैलकुलेट करते हुए तो उसको इग्नोर करना होगा। तो यूटिलाइज डेट पे आपका कितना इंटरेस्ट आपने पे किया और उस पर कितनी टैक्स सेविंग आई है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे नंबर वन। फिर नंबर टू आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इश्यू कॉस्ट, यानी आपने अगर इशू कॉस्ट आपकी इंकर हुई है फॉर इशूइंग इक्विटीज, तो उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और उसके कैश फ्लोज को आप डिस्काउंट करेंगे यूजिंग केडी प्रीटैक्स केडी, तो आपके पास इसकी कैश फ्लो आ जाएगी। देन आप यू विल कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट, क्योंकि इशू कॉस्ट भी है वो भी आपका टैक्स अलाउेबल एक्सपेंडिचर है, तो टैक्स अलाउेबल एक्सपेंडिचर है तो उस पर भी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और दिस इज योर थर्ड एडजस्टमेंट। एंड नंबर फोर्थ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सेविंग ऑन सब्सिडाइज्ड बोरिंग यूजिंग आरएफ एज बेंचमार्क। तो अगर आपको सब्सिडाइज्ड बोरिंग हुई है, क्योंकि बाद सिनेरियोस में क्वेश्चंस में ये गिवन होता है कि जो बोरिंग आपको मिली है डेट इज ऑन सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स, मार्केट में 10% चल रहा है और आपको 6% पे 5% पे इंटरेस्ट के साथ लोन मिल गया, तो इट इज सब्सिडाइज्ड बोरिंग और इस पे भी आपको एक आपको बेनिफिट मिल रहा है, उसके आप बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी आपको अगर 4% का बेनिफिट मिल रहा है, 4% इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है, तो उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके अपने कैश फ्लोज में इंक्लूड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट सेविंग ऑन सब्सिडाइज्ड बोरिंग, तो ये सब आप निकाल लेंगे तो फिर इनको सम अप करके आपका क्या रिजल्ट निकलेगा, डेट इज योर एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। तो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू इफ द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी चेंजेस, और ये हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें देख लिया कि किस तरह आपने अपने सोल्यूशन को एक फ्लो में चलाने और सॉल्व करने। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एनपीवी कैलकुलेटेड यूजिंग बोथ द कन्वेंशनल मेथड एंड द एपीवी मेथड मे नॉट ऑलवेज बी इक्वल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्या रीजंस हो सकते हैं कि जो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है, एक तो कन्वेंशनल मेथड से, जो कि हमने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जब शुरू किया था उस वक्त हमने देखा था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने एपीवी को देखा है, तो ये डिफरेंट क्यों हो सकते हैं, इक्वल क्यों नहीं होंगे। इन द कन्वेंशनल मेथड एनपीवी इज कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग ऑल द रेलेवेंट कैश फ्लोज विद वैक विच इज गेड। अनगेड कंपनी की सूरत में तो हमने ये डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे फाइनेंशियल रिस्क चेंज नहीं हुआ, अनगेड है, ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, तो वहां पे एनपी कन्वेंशनल एनपीवी विल बी इक्वल टू एपीवी रिजल्ट। लेकिन अगर जहां पे गेड आ गया है, जहां पे गेयरिंग चेंज हो रही है, फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहे हैं, वहां पे एनपीवी और एपीवी की कैलकुलेशन में फर्क होगा। वो क्यों होगा कि एनपीवी इज कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग ऑल द रेलेवेंट कैश फ्लोज विद वैक जी, तो वहां पे हम वैक जो ले रहे होते हैं उसमें गेयरिंग का इफेक्ट होता है, गेयरिंग का इफेक्ट होता है और एक डिस्काउंट रेट होता है, उस पर तमाम कैश फ्लोज को आप डिस्काउंट कर देते हैं। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप तमाम के तमाम कैश फ्लोज को विद द सेम रेट आप डिस्काउंट कर रहे होते हैं,
discounted all the relevant cash flows with VAC G. Hence, all the aforementioned adjustments are incorporated into VAC G. Determination with the exception of spare debt capacity and subsidized debt, which can only be incorporated here. तो जो आपके conventional NPV method है उसमें आप तमाम cash flows को आपने discount किया using VAC G और उसमें side effects को अलहदा से मैयर नहीं किया गया, स्पेयर डेट और यूटिलाइज डेट और स्पेयर डेट की कैपेसिटी को अलहदा से मैं उसकी कैश फ्लोज को डिटरमिन नहीं किया गया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया गया और इसी तरह सब्सिडाइज जो डेट है उसके बेनिफिट को इंक्लूड नहीं किया गया। तो इस वजह से एपीवी और एनपीवी के मेथड में फ़र्क है, क्योंकि एपीवी में आप बेस केस एनपीवी पहले निकालते हैं, उसमें ऐसे कैश फ्लोज जिसका कोई इफेक्ट नहीं है बाय आइदर ड्यू टू चेंज इन फाइनेंशियल रिस्क, उन कैश फ्लोज को आप डिस्काउंट करते हैं यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एन अनगेट कंपनी, वहां से आपका बेस केस एनपीवी आ जाता है। उसके बाद आप वन बाय वन एडजस्टमेंट को ऐड करते हैं, उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड है और अदर साइड इफेक्ट्स हैं। अदर साइड इफेक्ट में इशू कॉस्ट को आपने ले लिया, उसके टैक्स बेनिफिट को ले लिया और यूटिलाइज डेट और स्पेयर डेट को की कैपेसिटी को भी ले लिया, तो वहां से आपका एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होता है। और ये एलिमेंट आप कन्वेंशनल एनपीवी की कैलकुलेशन में आपने नहीं देखे होंगे, तो इस वजह से कन्वेंशनल एनपीवी और एपीवी के मेथड में फर्क है और उसके रिजल्ट्स सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। नाउ वी विल डिस्कस रिस्क एडजस्टेड वैक। रिस्क एडजस्टेड वैक की हमने एक पोर्शन तो डिटेल में देख चुके हैं जब हम बीटा को डिस्कस कर रहे थे कि बीटा में अगर जो सिस्टमैटिक रिस्क है और बिजनेस रिस्क है वो अगर सेम है लेकिन फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है तो फिर आप क्या करेंगे कि बीटा एसेट निकालेंगे जो प्रेजेंट करेगा अनगेट कंपनी को। तो बीटा एसेट की बेस पे आप अनगेट कंपनी का बिजनेस रिस्क आपने कैलकुलेट कर लिया और उसको फिर यूज करते हुए आप क्या एस्टिमेट करेंगे बीटा इक्विटी के गेट कंपनी के केस में। अगर आप बेयरिंग लेके आते हैं फाइनेंशियल रिस्क को चेंज करते हैं तो एक गेट बीटा यानी बीटा इक्विटी किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। तो वंस यू हैव कैलकुलेटेड बीटा इक्विटी ऑफ ए गेट कंपनी देन यू कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए गेट कंपनी। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द बिजनेस रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वही है सबसे पहले बात, जब भी आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपको ये देखना होगा कि बिजनेस रिस्क ऑफ इन्वेस्टर इज चेंजिंग और नॉट। अगर चेंज हो रहा है तो फिर उसमें अलग कैलकुलेशन होगी और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर उसमें अलग कैलकुलेशन होगी। तो आइडेंटिफाई द बिजनेस रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट इफ सिमिलर टू एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। अगर बिजनेस रिस्क आपका सेम है एज कम्पेयर टू योर एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, यूज द करंट बीटा एसेट। If the project involves diversification, determine the beta asset. तो अगर आपका business risk same है तो आप beta asset use कर सकते हैं for the calculation of beta equity. Identify the financial risk. यानी business risk के लिए आपने देख लिया कि business same है दोनों companies का और जो investment करने जा रहे हैं उसका business risk same है तो आप beta asset पे calculate कर लिया। अभी आपने क्या देखने है? दूसरा एलिमेंट सिस्टमैटिक रिस्क का फाइनेंशियल रिस्क। तो उसमें आप डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल रिस्क थ्रू डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द प्रोजेक्ट इन एब्सेंस ऑफ ए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डेट इक्विटी। अगर प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक आपको डेट इक्विटी नहीं मालूम तो आप इंडस्ट्री का यूज कर सकते हैं। वी अज्यूम द प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पूल ऑफ फंड्स, देयरफॉर द एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी मे बी यूज्ड। तो अगर प्रोजेक्ट का आपके पास डेट इक्विटी नहीं है तो आप कंपनी का ये अज्यूम करेंगे कंपनी के जो अपने अवेलेबल फंड्स हैं उसमें से वो फंडिंग करेगी और कंपनी का एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ बीटा इक्विटी थ्रू बीटा एसेट। यूजिंग बीटा एसेट एंड डेट इक्विटी ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट कैलकुलेट बीटा इक्विटी। तो बीटा एसेट का फॉर्मूला आपको पता था कि बीटा एसेट इज अ वेटेड बीटा ऑफ बीटा इक्विटी एंड बीटा डेट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर वेटेजेस। यानी डेट और
इक्विटी की जो मार्केट वैल्यूज है उसके बेसिस पर आप प्रोपोर्शन निकालते हैं और बीटा इक्विटी और बीटा डेट को सम अप करते हैं तो आपके पास बीटा इसेट आ जाता है। उसके बाद अगर आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज करें तो बीटा इसेट इक्विटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वंस यू हैव कैलकुलेट योर बीटा इसेट देन यू कैन आइडेंटिफाई द डेट इक्विटी रेशियो और या मार्केट वैल्यूज और उसके बेस पे फिर आप बीटा इसेट और जिसको हम रिस्क एडजस्टेड बीटा इक्विटी भी बोलते हैं वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। वंस यू हैव कैलकुलेटेड बीटा इक्विटी जो कि हम डिटेल में देख चुके हैं जब हमने बीटा की कैलकुलेशन देखी थी कि हाउ कैन वी कैलकुलेट बीटा इक्विटी ऑफ ए गेट कंपनी जबकि फाइनेंशियल रिस्क चेंज होता है, तो बीटा इक्विटी निकल आया तो और ये प्रेजेंट कर रहा है रिस्क एडजस्टेड बीटा इक्विटी को, तो यूजिंग कैपम डिटरमिन रिस्क एडजस्टेड के, तो यहां से आप कैपम पे पहुंचेंगे, कैपम से आप रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और यूजिंग रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटरमिन रिस्क एडजस्टेड वैक। तो पांचवें स्टेप में आप आके रिस्क एडजस्टेड वैक कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि आपने जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने कैलकुलेट किया है दैट इज योर रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अभी आप जो कैलकुलेशन इस के यू को यूज करके करेंगे तो वो आपका क्या होगा रिस्क एडजस्टेड वैक, और वो फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला वही है लेकिन इसमें जो फर्क है पहले वाली चीज से वो क्या था कि पहले वाला वैक जो हमने कैलकुलेट करना सीखा था इन आवर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डिस्कशंस उसमें और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे जो के ई आपने कैलकुलेट किया है डेट इज रिस्क एडजस्टेड, तो यहाँ पे जो के ई यूज हुआ है डेट इज रिस्क एडजस्टेड और इन्वेस्टमेंट अप्रेजर की जो इनिशियल डिस्कशंस थी उसमें जो के ई कैलकुलेट हो रहा था उसमें फाइनेंशियल रिस्क को हमने कंसीडर नहीं किया था और डेट वॉज डिटरमिन्ड थ्रू डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल या कैपम के थ्रू भी कर लें लेकिन उसमें फाइनेंशियल रिस्क को हमने डिस्कस नहीं किया था। अगर फाइनेंशियल रिस्क की बात आ जाएगी तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे रिस्क एडजस्टेड के, तो इस रिस्क एडजस्टेड के की वजह से ये रिस्क एडजस्टेड वैक और नॉर्मल वैक डिफरेंट है। द टैक्स रेट अबव इज द सेम एज यूज्ड इन टू कैलकुलेट बीटा इक्विटी, और टैक्स रेट आपने सेम रखते हैं जब आप बीटा इक्विटी को कैलकुलेट कर रहे हैं और जब वैक को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें टैक्स रेट को सेम रखना है। द वैक सो कंप्यूटेड इज द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ऑफ द प्रोजेक्ट इन केस वेयर द फाइनेंशियल रिस्क चेंजेस, तो ये आपका इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं रिस्क एडजस्टेड वैक, और दिस वैक सो कंप्यूटेड इज द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फॉर द प्रोजेक्ट। तो एक हमने बात कर ली एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू की, जब आपका फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा हो तो फिर आप एक तो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू को यूज कर सकते हैं या फिर आप रिस्क एडजस्टेड वैक को यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द क्वेश्चन, क्योंकि एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू में आपको के ई डिटरमिन करना होता है अनगेट कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो अगर इंफॉर्मेशन उस हद तक है तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेट कंपनी कैलकुलेट कर लेंगे, बेस केस एनपी भी कैलकुलेट करेंगे और साइड इफेक्ट और एडजस्टमेंट्स को अलहदा से प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे यूजिंग प्रीटेक्स केडी और आरएफ और उससे फिर आप एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको बीटा की तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बीटा एसेट और बीटा इक्विटी गेट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर आप बीटा इक्विटी गेट कैलकुलेट करेंगे, वहां से आप रिस्क एडजस्टेड के कैलकुलेट करेंगे यूजिंग कैपम और फिर आप यूज करेंगे इस रिस्क एडजस्टेड के को इन रिस्क एडजस्टेड वैक, जो कि यूज होगा ऐसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जहां पे फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है। तो ये वो टॉपिक्स है जहां पे फाइनेंशियल रिस्क आपका चेंज हो रहा हो तो फिर आपने अपनी अवैल्यूएशंस को किस तरह करने हैं, वन बाय वन स्टेप में आपने देख लिया कि किस तरह आप रिस्क एडजस्टेड वैक को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां तक हमने डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ले ली है रिगार्डिंग बिजनेस रिस्क फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि ये दोनों लिंक है विद द बीटा, क्योंकि बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क कहां सम अप होते हैं सिस्टमैटिक रिस्क में, और सिस्टमैटिक रिस्क किसको प्रेजेंट करते हैं बीटा को।
तो बीटा की कैलकुलेशन में हमने देख लिया कि अगर आपका बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा हो तो आप किस तरह अपने वैक को एडजस्ट करेंगे, आप बीटा एसेट कैलकुलेट करेंगे और नए बीटा एसेट कैलकुलेट करके अपना नया वैक कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन आपका बिजनेस रिस्क सेम हो और फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा हो तो फिर आप बीटा इक्विटी निकालेंगे, या बीटा इक्विटी निकाल के आप रिस्क को एडजस्ट कर लेंगे या फिर एपीवी मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ तक आज हम अपना लेक्चर को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्काउंट रेट से शुरू करेंगे कि डिस्काउंट रेट किस तरह एवेल्युएट किया जाता है और यूज़ किया जाता है, और अपनी नई डिस्कशन को वहीं से लेके कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।